मैं डॉक्टर अभिजीत सुना उन्हें, लोग मुझे भिखारियों का डॉक्टर बोलते हैं। ये लोग फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे खाते हैं, जो भी मिलता है खाते, नहीं मिलता तो नहीं भी खाते हैं। तो इनमें बीपी है, डायबिटीज़ है या कोई और तकलीफ है, तो वो तकलीफ में ही जिए जाते हैं। उनको कोई भी उठा के हॉस्पिटल में नहीं लेके जाने वाला। उनको खुद ये मालूम नहीं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। मेडिसिन अगर कुछ कभी मिली तो खा लेते हैं, जिंदा रह लेते हैं, जब मेडिसिन बंद होगा तो ऐसे ही मर जाते हैं। इन 1100 लोगों को मैं 15 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ, जिसको जो भी चाहिए मेडिकल सर्विसेज और ये सब। जब वो फिजिकली अच्छे हो जाते हैं तब मैं उनको फिर ऑफर करता हूँ कि क्या आप अभी तो अच्छे हो गए तो बेटर है आप कुछ काम करो। फाइनेंशियल ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट हम दे देते हैं। इस तरह से पिछले 2-2.5 सालों में टोटल 49 एल्डर बेगर्स आर देयर, जिन्होंने भीख मांगना छोड़ दिया है एंड दे आर लिविंग विद डिग्निटी। ये लोग जब रिहैबिलिटेट होते हैं या जब इनकी कोई प्रॉब्लम होती है वो जब सॉल्व हो जाती है, तब ये लोग खुश हो जाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने खुद मुझे नीचे आके आशीर्वाद दे दिया है। हर चीज के लिए पैसा लगता है। अगर सोसाइटी की तरफ से अगर थोड़ा बहुत हमें और सपोर्ट मिल जाए, जिनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये नंबर भी बढ़ा सकते हैं और खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए और ज्यादा उनको हम मदद कर सकते हैं।